हैवरीबडी वेलकम टू यल लर्न विद स्मारो इन टूडेस वीडियो टू लर्न एच सी मेथड सो इन द प्रीवियस वीडियो आर टॉट सी एफ एंड रिगार्डिंग एच सी एफ यूज इन लिस्ट इन मैथेस वीडियो टू लर्न एट सी एफ बट यूज इन प्राइम फैक्टोराइजेशन मैथड वी आर गोइन टू अंडरस्टैंड दिस मैथड विदल ऑफ एग्जाम्पल्स वी है हमें यहाँ दिया गया है हमें पड़ेगा दो नंबर की थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर तो लिख लेते हैं यहाँ थर्टी सिक्स यहाँ लिख लेते हैं फिफ्टी फोर अलग अलग करके अभी थर्टी सिक्स को हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करने वाले हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ क्या ये डिविजिबल है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है टू एंड थर्टी सिक्स इज डिविजिबल बाई टू सो वी विल राइट टू एंड थर्टीड बाई टू इज एटीन एंड देन हम नेक्स्ट देखेंगे क्या एटीन भी टू के साथ डिविजिबल है हाँ सो अगेन वी विल राइट टू बट नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो नाइन है ये डिविजिबल है लेकिन टू के साथ नहीं सो so किस के साथ नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री के साथ सो so हम यहाँ लिख लेंगे थ्री फिर देखेंगे यहाँ भी हमें थ्री मिल गया एंड थ्री तो टू के साथ नहीं होगा सिर्फ थ्री के साथ ही होगा तो हमें मिल गया द फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स अभी फिफ्टी फोर के फैक्टर्स हम लिखेंगे फिफ्टी फोर इज डिविजिबल बाई टू तो हम यहाँ पहले टू लिख लेते हैं एंड देन हम लिखेंगे ट्वेंटी सेवन 27 सेवन 27, तो टू के साथ नहीं हो रहा 3 थ्री के साथ हो रहा है तो हम लिख लेंगे थ्री एंड ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय थ्री देता है नाइन नाइन फिर से जा रहा है थ्री के साथ एंड थ्री तो थ्री के साथ ही जाएगा ठीक है तो फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री एंड फिफ्टी फोर इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नी एफ निकालने के लिए मैं नीचे लिख लेती हूँ देफ तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा टू जो है ये दोनों नंबर्स में क्या है कॉमन में हाँ तो टू यहां भी है और यहाँ भी है तो हम यहाँ टू लिख लेंगे लेकिन ये एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो टू है यहाँ दो बार है और यहां एक बार तो टू जहां सिर्फ एक बार जा रहा है हम वहां ही लिखेंगे। क्यों क्योंकि ना ये जो है ये एक बार ही सिर्फ दो नंबर्स के साथ कॉमन है क्यों ना यहाँ नेक्स्ट तो टू आ जा रहा है लेकिन यहाँ नेक्स्ट थ्री आ रहा है एंड हम थ्री को अलग करके लिखेंगे क्यों ना टू अगर दोनों नंबर में जितने टाइम कॉमन है उतने टाइम हम लिखेंगे अगर एक नंबर में हो सकता है टू तीन बार कॉमन है और एक नंबर में टू दो बार कॉमन है तो जो दो बार कॉमन है हम यहां लिखेंगे टू इंटू टू लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार कॉमन है तो हम इन जो कॉमन है इसे हम टू लिख लेंगे एंड और एक चीज का याद रखिएगा कि ये जो दो टूज है इसका मतलब नहीं कि आप दो बार ही टू को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आपको ये जो दो टू है ये एक बार जा रहा है मतलब हम इसे एक बार लिखेंगे और यहां एक साथ है, इसका मतलब एक टू, टू, टू और अगर ये फिर से टू के साथ जाता तो हम और, और एक बार मल्टीप्लाई करते टू के साथ क्योंकि ना ये दो बार कॉमन जा रहा है लेकिन यहां वो सिर्फ एक बार जा रहा है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिर से देखिए थ्री यहाँ थ्री फिर से आ रहा है एंड थ्री आप देख सकते हैं दो बार आया है और यहां भी दो बार आया है मतलब कि हम थ्री को टू इन टू दो बार करेंगे जैसे मैंने पहले कहा था ये दो बार आ रहा है इसलिए हम इसे दो बार लिखेंगे एंड मतलब ये नहीं कि यहां दो बार आ रहे है यहां दो बार इसलिए चार बार लिखेंगे वो नहीं यहां दो बार ही आ रहा है तो दो बार ही लिखेंगे टू इंटू थ्री कितना दे रहा है हमें सिक्स एंड सिक्स इंटू थ्री है नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ तीन नंबर्स दिए गए हैं थर्टी टू ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटीन थर्टी टू ट्वेंटी फोर सो थर्टी टू को हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है टू एंड थर्टी टू इज डिविजिबल बाई टू सो वी आर गोइंग टू राइट थर्टी टू डिजिबल बाई टू गिवीन एंड सिक्सटीन भी फिर से टू के साथ डिविजिबल है तो हम यहाँ लिख लेंगे एट एंड एट भी टू के साथ डिविजिबल है जो देता है हमें फोर फोर भी फिर से टू के साथ डिविजिबल है एंड इट गिव्स अस टू और टू भी फिर से डिविजिबल है तो ये गिव्स अस वन फिर से टू ट्वेंटी फोर को आप डिवाइड करेंगे टू के साथ टू ट्वेल्व ये भी टू के साथ डिविजिबल है टू सिक्स ये भी टू के साथ डिविजिबल है थ्री लेकिन थ्री तो थ्री के साथ डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो थ्री है इसके साथ डिविजिबल है तो हम यहाँ थ्री लिख लेंगे सिक्सटी भी टू के साथ डिविजिबल है ट्वेंटी फिर टू के साथ डिविजिबल है और को देखिए एक मिनट थर्टी सॉरी, 30. सो so 30 एंड uh, 30 डिवाइडेड बाय 2 देता है हमें 15. एंड uh, 15 थ्री के साथ इविजिबल है तो हम यहाँ थ्री लिख लेंगे. एंड ये 5 के साथ डिविजिबल है 5. सो so हम यहाँ 5 लिख लेंगे. सो so therefore 32 इज़ इक्वल टू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2. पाँच बार 2. यहाँ 24 इज़ इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री यहां सिक्सटी इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव एंड देयर फोर एच सी एफ इज इक्वल टू क्या फिर से हम देख लेंगे या कितने नंबर्स दिए गए तीन नंबर्स टू थ्री एंड फाइव तो हम यहां देख सकते हैं पहले हम टू के साथ शुरू करेंगे तो टू यहाँ कितना बार कॉमन है तीनों नंबर्स में ही टू है एंड थर्टी टू में ये पांच बार है ट्वेंटी फोर में ये तीन बार है एंड सिक्सटी में ये दो बार है तो सबसे means ये जो टू है ये दो बार सभी नंबर्स में तो कॉमन आता ही है कि ना में ये सिर्फ दो बार कॉमन है एंड ट्वेंटी फोर में भी तो ये तीन बार कॉमन है लेकिन दो बार तो आएगा ही एंड थर्टी टू में तो ये पांच बार कॉमन है एंड दो बार तो होगा ही so, सो मतलब कि ये सबसे ज्यादा लोएस्ट प्रेजेंट जहाँ है ये है सिक्सटी में और वो दो बार तो जब आप एच निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये याद रखिएगा कि जिस मतलब यहाँ टू अगर जहां एक नंबर तीनों नंबर या जितने भी नंबर दिए गए हैं वहां जितने कम टाइम प्रेजेंस होगा उसे हमें लिखना पड़ेगा जैसे कि टू इन तीनों नंबर्स में लेकिन सबसे हाइस्ट मतलब सबसे मेजर टाइम्स ऑफ ऑक्यूरेंस है पांच बार लेकिन सिक्सटी में यहाँ सबसे लोएस्ट मीन्स ऑक्यूरेंस है दो बार तो यहाँ जिस नंबर में मीन्स एक नंबर अगर तीनों नंबर या दो नंबर्स में आएंगे एंड वो भी सबसे लोएस्ट टाइम लोएस्ट ऑक्यूरेंस में तो फिर उतना ही हम लिखेंगे टू यहाँ दो बार आया है तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे टू इंटू टू दो बार लिखेंगे ठीक है या छह बार नहीं क्यों ना ये 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 नहीं सिर्फ दो बार लिखेंगे इसका दो बार ऑक्यूरेंस हुआ है फिर थ्री देखेंगे ये तीनों नंबर्स में है तीनों नंबर्स में नहीं है सॉरी यहाँ देखेंगे टू में ये नहीं है टू में ये जो थर्टी टू है वहां तो सिर्फ और सिर्फ टू है ट्वेंटी फोर जो है ये जो आप देख रहे हैं ट्वेंटी फोर में ये एक बार है एंड सिक्सटी में एक बार लेकिन ये जो है एक जो नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में ले रहे हैं वो नंबर तीनों या जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन थ्री जो है ये सिर्फ ट्वेंटी फोर और सिक्सटी में प्रेजेंट है और थर्टी टू में नहीं है तो इसीलिए हम थर्टी टू मीन थ्री नहीं लिख सकते एंड फाइव तो सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी में प्रेजेंट है इसीलिए तो ये नहीं लिख सकते तो इसीलिए हमें सिर्फ दो नंबर्स ही दिए गए हैं टू इंटू टू टू इंटू टू तो फोर है सो तो देख लेंगे 77, यहाँ लिख हंड्रेड टेन और यहाँ लिख लेंगे ट्वेंटी टू ठीक है तो पहले हम फोर्टी फोर को डिवाइड करते हैं फोर्टी फोर तो पहले हम देख सकते हैं ये टू साथ डिविजिबल है तो टू भी लिख लेंगे पहले फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू गिव ट्वेंटी टू फिर ट्वेंटी टू भी टू के साथ डिविजिबल है तो फिर लिख लेंगे एंड ये जो इलेवन है ये सिर्फ इलेवन के साथ डिविजिबल है तो इसीलिए इलेवन को हम एक बार इलेवन के साथ डिविजिबल कर लेंगे देन की ओर चलते हैं क्योंकि हमें सभी फैक्टर्स फोर्टी फोर के मिल गए हैं सो so, आप यहाँ देखिए सेवनटी सेवन जो है ये तो टू के साथ नहीं डिविजिबल हो रहा है थ्री के साथ भी डिविजिबल नहीं हो रहा एंड ये फोर के साथ भी नहीं हो रहा फाइव के साथ भी नहीं हो रहा सिक्स के साथ भी नहीं हो रहा टोटली ये जाकर हो रहा है सेवन के साथ तो पहले हम सेवन लिख लेंगे ये प्राइम नंबर ही है एंड एक बार मिल रहा है हमें इलेवन और इलेवन तो सिर्फ सिर्फ इलेवन के साथ डिविजिबल है तो हम लिख लेंगे इलेवन तो मिल गए हमें फैक्टर्स सेवनटी सेवन के फिर वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन ये पहले टू के साथ डिविजिबल है तो लिख लेते हैं फिफ्टी फाइव अब फिफ्टी फाइव टू टू थ्री फोर एंड

टू इंटू टू इंटू इलेवन सेवेंटी सेवन इज इक्वल टू सेवन इंटू इलेवन वन हंड्रेड टेन इज इक्वल टू टू इंटू फाइव इंटू इलेवन ट्वेंटी टू इज इक्वल टू टू इंटू सो एच सी एफ क्या होगा एच सी एफ यहाँ हम देखेंगे यहाँ टोटली टू इलेवन सेवन फाइव टोटली फोर नंबर्स हैं तो पहले हम टू के साथ शुरू करते हैं टू तो आप देख सकते हैं फोर्टी फोर में प्रेजेंट है लेकिन सेवेंटी सेवन में नहीं है फोर्टी फोर में प्रेजेंट है लेकिन सेवेंटी सेवन में नहीं है वन हंड्रेड टेन और वन हंड्रेड मीन ट्वेंटी टू में भी प्रेजेंट है लेकिन ये सेवेंटी हमें एक जो नंबर दिया गया है ये चारों नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में प्रेजेंट होना चाहिए और ये टू सिर्फ तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है ये नंबर पर प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम टू को नहीं लिख सकते फिर हमें मिल रहा है सेवन सॉरी फाइव तो फाइव हम देख सकते सिर्फ और सिर्फ वन हंड्रेड टेन में जा रहा है तो टेन ये तो सिर्फ एक नंबर में जा रहा है और इसे तो सभी नंबर्स में होना चाहिए तो नहीं है तो हम फाइव को भी नहीं ले सकते एंड सेवन सेवन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेवनटी सेवन में आ रहा है बाकी तो नंबर्स में नहीं आ रहा एंड ये नंबर जैसे ही आप देख सकते नहीं आ रहा सभी नंबर्स में इसीलिए हम नहीं लिख सकते लास्टली सबसे बड़ा नंबर जो है इलेवन इलेवन हम देख सकते हैं ये सभी नंबर्स में प्रेजेंट है फोर्टी फोर में है सेवेंटी सेवन में है वन हंड्रेड टेन में है एंड ट्वेंटी टू में है मतलब यहाँ इकलौता जो है सभी नंबर्स में प्रेजेंट वो है इलेवन सो इसीलिए एच सी एफ भी हमारा होगा इलेवन ठीक है तो मिल गया है, हमें एच सी एफ ऑफ फोर्टी फोर सेवेंटी सेवन वन हंड्रेड टेन एंड ट्वेंटी टू का एच सी एफ है इलेवन तो होप आपका यहाँ प्रॉब्लम अगर है तो मीन्स uh, दूर हो गया है एंड अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग